लेकिन मुझे ऐसे क्यों लगा कि तुम मेरे बारे में सोच रही हो? वो खुशफहम लहजे में बोली, लेकिन मैंने उसे कोई जवाब न दिया। लम्हा भर के बाद उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा और धीमे लहजे में बोली, तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ, लेकिन हम तुम्हारी बहन को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जवाबन मैंने हंकारी भरी और धीरे से अपना हाथ उसके हाथ के नीचे से निकाल लिया। मैं नहीं चाहता था कि मेरी हरकतों, सकनात और बातों से लीज़ा को किसी किस्म की उम्मीद हो, इसीलिए मैं उससे खिंचा खिंचा रहने लगा था। उसने भी मेरी बेएतनाई महसूस कर ली थी, लेकिन ज़बान पर ना लाई। तुम्हारा फ्रेंड राफिन क्या कर रहा है आजकल? मैंने मौजू बदलने की खातिर कहा। राफिन? वो राफिन का नाम लेकर बोली, पता नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वारदातें कर रहा होगा। वही अगवा बराए तावान की वारदातें? ऑफ कोर्स। तुम लोग ये वारदातें क्यों करते हो? शौकिया? हैरत है, मैं हैरान हुआ। किसी की फैमिली को परेशान करना तुम्हारे लिए अच्छा शौक है। आखिर में मेरे लहजे में तंज था। वो मुस्कुराई, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? मैंने चौंक कर उसकी तरफ़ देखा तो वो मखमूर नज़रों से मुझे देख रही थी। मैंने नज़रें हटा ली। उसने अपनी बात आगे बढ़ाई, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो मैं ये शौक ख़त्म कर देती हूँ, क्या कहते हो? अच्छी बात है अगर तुम ये शौक छोड़ दो, लेकिन मेरे लिए नहीं, दूसरों के लिए, ताकि कोई तुम लोगों की वजह से परेशान ना हो, मैंने जवाबन कहा तो उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। कुछ देर वहाँ बैठे रहने के बाद हम वापस घर आ गए। ड्राइंग रूम में सूजियन और कॉपर टीवी देखने और बातें करने में मसरूफ़ थे। मैं भी उनके साथ बैठकर टीवी देखने लगा, जबकि लीज़ा कॉफ़ी बनाने किचन में चली गई थी। हम कॉफ़ी पीकर फारिग हुए ही थे कि लीज़ा की मॉम डैड भी स्टोर से आ गए। उन्होंने क्लारा और बाबर को वहाँ ना पाया तो लीज़ा से इस्तफसार किया। लीज़ा ने उन्हें बताया कि क्लारा के डैड को हार्ट अटैक हुआ है और वो क्राफ्ट यानी बाबर के साथ वाशिंगटन चली गई है। मिस्टर क्लार्क और मिसेस क्लार्क ने क्लारा की डैड की सेहतयाबी के लिए दुआया कलमात कहे। उसके बाद मामूल की बातें होती रहीं। जब रात के 10 बजे तो मिस्टर क्लार्क और मिसेस क्लार्क के जाने के बाद मैं भी अपने कमरे में चला आया। कुछ ही देर गुजरी थी कि बाबर का फ़ोन आ गया। उसने मेरे पूछने से पहले ही बता दिया कि वो लोग वाशिंगटन के हॉस्पिटल पहुँच गए हैं। क्लारा के डैड की हालत अब पहले से कदरे बेहतर है, लेकिन उनका ट्रीटमेंट जारी है। मैंने तवील सांस लेते हुए कहा, क्लारा से मेरी बात करवाओ। वो मिस्टर शॉफर्ड के पास गई है, बाबर ने बताया। ओके, जब वो वापस आए तो मुझे मैसेज कर देना, मैं कॉल करूँगा, मैंने कहा। अच्छा ठीक है, मैं अब फ़ोन रखता हूँ, बाबर ने जवाबन कहा और रबता मुनकता कर दिया। वो रात और अगला दिन भी खामोशी से गुजर गया। शाम को मेरी क्लारा से बात हुई थी। उसने बताया था कि अब उसके डैड की तबीयत ठीक है और वो जल्द ही वापस आ जाएगी। मुझे शॉफर्ड जान की तबीयत का सुनकर बेहद खुशी हुई थी। रात 10 बजे का वक्त था। मैं अपने बिस्तर पर लेटा सोने की कोशिश कर रहा था। मेरा सेलफ़ोन साइड टेबल पर पड़ा हुआ था कि अचानक घंटी की आवाज़ सुनकर मैंने सेलफ़ोन उठाया और स्क्रीन पर देखा तो एक अनजान नंबर जगमगा रहा था। मैं चंद लम्हे नंबर देखता रहा, फिर मैंने कॉल रिसीव कर ली। हेलो, मैंने धीमे लहजे में कहा, क्या तुम मिस्टर मॉरिस बोल रहे हो? एक निस्वानी आवाज़ ने तस्दीकी लहजे में इस्तफसार किया। वो आवाज़ मुझे जानी पहचानी महसूस हुई। यस, मैंने मोहतात लहजे में कहा, मैं जूलिया पैट्रिक बात कर रही हूँ। जूलिया पैट्रिक? मैं चौंका और जल्दी से उठ बैठा। मैंने गौर किया तो वो आवाज़ 100% जूलिया पैट्रिक की थी। मैं उसकी आवाज़ हज़ारों आवाज़ों में पहचान सकता था। अगर उसे मेरी फ़ोन पर बात ना हुई होती तो शायद मैं उसकी आवाज़ ना पहचान पाता। उसने तस्दीक करते हुए कहा, हाँ मॉरिस, मैं जूलिया पैट्रिक बोल रही हूँ। कहाँ हो तुम और तुम्हारा फ़ोन भी बंद? मैंने तश्वीश भरे लहजे में कहा तो उसने मेरी बात काट दी। सुनो मॉरिस, मैंने ब्लैक पॉइंट के बारे में पता लगा लिया है। तुम फौरी तौर पर मेरे अंकल के घर पहुँचो, मैं भी वहीं पहुँच रही हूँ, बाकी बातें वहीं होंगी। क्या तुम पहुँच रहे हो? आखिर में उसने तस्दीक चाही। हाँ जूलिया, मैं पहुँच रहा हूँ, मैंने जवाबन कहा, कुछ सोचे समझे बगैर कहा। ओके, फिर मिलते हैं, कहते साथ ही जूलिया पैट्रिक ने कॉल मुनकता कर दी। मैंने सेलफ़ोन पतलून की जेब में मुंतकिल किया और जल्दी से जैकेट पहनकर कमरे से निकल आया। राहदारी में नीम अंधेरा था। मैंने लीज़ा के कमरे की दरवाजे की तरफ नज़र दौड़ाई तो दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था और लाइट जल रही थी। मैं सोचने लगा कि उसे अपने जाने के बारे में बताऊं या खामोशी से निकल जाऊं, लेकिन मसला ये था कि मेरे पास सवारी नहीं थी। लेकिन इलाके का नाम मुझे याद था। जब मैं जूलिया पैट्रिक के साथ हॉग मार्टिन के घर जा रहा था तो रास्ते में मैंने एक बोर्ड पर उस इलाके का नाम पढ़ लिया था, इसलिए वो मुझे याद था। मेरी जेब में चंद डॉलर्स भी मौजूद थे जिनसे काम चल सकता था। ये डॉलर्स मुझे क्लारा ने दिए थे कि अगर मुझे ज़रूरत पड़े
तो मैं इनसे काम चला लूँ। उस वक्त मैं उससे लेना नहीं चाहता था, लेकिन फिर ये सोच कर रख लिए कि शायद कभी काम आ जाए। आज उनके काम आने का वक्त आ गया था। मैंने यही फैसला किया कि मुझे लीज़ा को बताए बगैर ही जाना चाहिए। मैं उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था, ख्वामखा उसका हौसला बढ़ेगा। चुनाचे मैं मुड़कर सीढ़ियों की तरफ़ बढ़ा और बग़ैर आहट पैदा किए सीढ़ियाँ उतर कर बैरूनी दरवाजे की तरफ़ बढ़ गया। घर से निकलने के बाद मैं टैक्सी की तलाश में नज़रें दौड़ाता हुआ एक सिमत चलता रहा। मेरी खुशबख्ती थी कि 10 मिनट के बाद मुझे एक टैक्सी मिल गई। मैंने टैक्सी में सवार होते ही ड्राइवर को मतलूबा जगह पहुंचाने का कहा तो उसने टैक्सी आगे बढ़ा दी। कुछ ही देर गुजरी थी कि मेरे सेल फ़ोन की घंटी बज उठी। मैंने देखा तो लीज़ा कॉल कर रही थी। शायद वो मेरे कमरे में गई थी और मुझे कमरे में ना पाकर वो यही समझी होगी कि मैं घर से बाहर निकल गया हूँ। मैंने कॉल अटेंड ना की। कॉल एंड होने के चंद लम्हों बाद लीज़ा दोबारा कॉल करने लगी। मैंने उकताहट आमेज़ नज़रों से सेल फ़ोन को देखा, लेकिन इस बार भी कॉल अटेंड ना की और बादल नखास्ता मैंने फ़ोन ही ऑफ कर दिया। मैं जानता था अगर मैंने उसे बता दिया कि मैं जूलिया पैट्रिक के अंकल के घर जा रहा हूँ तो वो भी मेरे पीछे आ जाएगी, क्योंकि मैं जब होग मार्टिन के घर से निकला था और हैरी टॉम के हरकारे मेरे पीछे थे तो लीज़ा ने इसी इलाके से गुजरते हुए मुझे लिफ्ट दी थी, इसीलिए वो इस इलाके के बारे में जानती थी। मगर मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे पीछे आए। तकरीबन 45 मिनट के बाद ड्राइवर ने मुझे मतलूबा जगह पर उतार दिया। किराया अदा करने के बाद जब टैक्सी आगे बढ़ गई तो मैं इधर उधर देखता हुआ होग मार्टिन के घर की तरफ चल दिया। रात के 11:15 बजे का वक्त था। सर्दी अपने अरूज पर थी। सुनसानी और वैरानी दूर दूर तक फैली हुई थी, यहाँ तक कि कुत्ते भी कहीं कोनों खुदरों में छुपे हुए थे। मैं खंभों पर लगे मरकरी बल्बों की रोशनी में आगे बढ़ रहा था। मैं जब होग मार्टिन के घर से कुछ फासले पर पहुंचा तो अचानक मेरी नज़र एक दरख्त के झुंड में मौजूद कार पर पड़ी तो मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। कार झाड़ियों में ऐसे खड़ी थी जैसे उसे छुपाने की कोशिश की गई हो। इत्तफाक से उस पर चांद की रोशनी पड़ रही थी। अगर उस पर चांद की रोशनी ना पड़ रही होती तो शायद वो मुझे दिखाई ना देती। कार छुपाने वाले ने शायद ये बात नोट ना की थी या फिर उजलत का मुजाहरा किया गया था। बाहर कैफ कुछ भी था, मेरी छठी हिस बेदार हो गई और यकायक मुझे अनजाने खतरे का एहसास हुआ। मैंने खुद को महफूज रखने के लिए कुर्बो जवार में देखा तो मुझे एक दो मकानों के दरमियान एक पतली सी गली दिखाई दी। मैंने सोचा कि मुझे उस पतली गली में छुपकर सूरत हाल का जायज़ा लेना चाहिए। चुनाचे मैं पतली गली की तरफ बढ़ गया। पतली गली के करीब पहुंचते ही ना जाने मुझे क्या सुझाई दिया कि मैं गली में जाने के बजाय चंद फुट के फासले पर मौजूद दरख्त की तरफ बढ़ गया। अगले ही लम्हे मैं बंदर की सी फुर्ती के साथ दरख्त पर चढ़ता चला गया। काफ़ी बुलंदी पर पहुंचकर मैं एक दरख्त की एक शाख की मजबूती का अंदाज़ा लगाकर उस पर बैठ गया और गायराना नज़रों से उसी कार की तरफ देखने लगा। वहां से होग मार्टिन के घर का गेट भी वाजिया दिखाई दे रहा था। गेट बंद था और आसपास किसी किस्म की नकलो हरकत दिखाई ना दी थी, लेकिन मेरा दिल चीख चीख कर कह रहा था कि कुछ ऐसा है जो वाजिया नहीं हो रहा। दफ़ातन मुझे जूलिया पैट्रिक को कॉल करने का ख्याल आया तो मैंने पतलून की जेब से अपना सेल फ़ोन निकाला और जूलिया पैट्रिक को कॉल करने लगा। उसका नंबर बंद जा रहा था। मैंने कुछ सोचकर वो नंबर मिला दिया जिस नंबर से उसने मुझे कॉल करके यहाँ बुलाया था। उस नंबर पर बेल तो जा रही थी लेकिन वो रिसीव नहीं हो रहा था। जूलिया कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रही, मैंने दिल में सोचा। एक बार फिर मैंने उसी नंबर पर कॉल की लेकिन कॉल अटेंड ना हुई। मैंने होंठ बींचते हुए सेल फ़ोन जेब में रख दिया। अब मुझे किसी गड़बड़ का एहसास शिद्दत से सताने लगा। मेरे दिल की धड़कन भी गैर मामूली तौर पर बढ़ गई। मैं कश्मकश में मुबतला था कि मेरे सेल फ़ोन की घंटी बज उठी। मैंने फ़ोन निकाल कर देखा तो लीज़ा कॉल कर रही थी। मुझे बेजारियत होने लगी और उस पर शदीद गुस्सा भी आने लगा। एक तो ये लड़की मेरे पीछे ही पड़ गई है, मैंने दिल ही दिल में सोचते हुए कॉल कट कर दी और साथ ही मैंने फ़ोन को साइलेंट पर लगा दिया। उसकी आवाज़ से अगर वहाँ कोई मौजूद हुआ तो वो मेरी तरफ मुतवज्जा हो सकता है। कॉल मुनक़ता हुए चंद ही सेकंड गुजरे थे कि लीज़ा की कॉल दोबारा आने लगी। अब की बार मुझ पर झुंझुलाहट तारी हुई। उफ़, क्या मुसीबत गले पड़ गई है, मैं झुंझुला कर मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाया। मैंने फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। दफ़ातन मुझे आहटें सुनाई दी तो मेरी छठी ही से एक बार फिर बेदार हो गई। वो आहटें कदमों की थीं और यूं लग रहा था जैसे एक से ज़्यादा अफराद इंतहाई मोहतात अंदाज में चल रहे हों। ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि उन अफराद की तादाद कितनी थी और वो किस सिमत से आ रहे थे। तभी लीज़ा का मैसेज आया। उसने पूछा था, मॉरिस तुम कहाँ हो, मेरी कॉल क्यों नहीं सुन रहे, मुझे तुम्हारी बेहद फ़िक्र है। मैंने चंद लम्हे कुछ सोचा फिर जवाबी मैसेज कर दिया, मैं ठीक हूँ लीज़ा, तुम परेशान ना हो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगा। चंद लम्हों के बाद उसका दूसरा मैसेज आ गया। वो पूछ रही थी, मगर तुम हो कहाँ, मैं तुम्हें तलाश करती फिर रही हूँ।
आपकी बार मैंने जवाब न दिया और आहटों की तरफ मुतवज्जा हो गया। वो जो कोई भी था अपनी तरफ से दबे कदमों चलने की पूरी कोशिश कर रहा था। मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि अब वो अकेला है। मुझे सिमत का भी अंदाज़ा हो गया था, इसलिए मैं पत्तों में से बगौर उसी तरफ नज़रें जमाए हुए था जिधर से चंद लम्हों के बाद एक स्यापोश जाहिर हुआ। उसने दोनों हाथों से गन मजबूती के साथ थामी हुई थी और वो इंतहाई चाबुक दस्ती से इधर उधर देखता हुआ आ रहा था। उसे कुछ शक होता तो वो फुर्ती के साथ ना सिर्फ खुद मुड़ जाता बल्कि गन का रुख भी इसी तरफ कर देता। बढ़ते बढ़ते वो मेरे दरख्त से कदरे फासले पर पहुँच कर रुक गया और धीमी आवाज़ में बोला, नहीं डोल्फ, यहाँ कोई मौजूद नहीं। यकीनन उसके पास एयरफोन था। दूसरी तरफ से कुछ सुनने के बाद वो दोबारा बोला, मैंने एक एक चप्पा छान मारा है, मुझे तो कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर वो कहाँ जा सकता है, उसके लहजे में बेजारियत ओद कर आई। मैं गौर से उसकी बातें सुन रहा था। वो दोबारा बोला, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने किसी को यहीं कहीं देखा था, फिर वो कहाँ जा सकता है। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। मुझे जैसे ही वो नज़र आया तो मैं एक लम्हा ज़ाया किए बगैर उसे गोलियों से भून डालूंगा। ओके, कहते साथ ही वो एक बार फिर पहले वाली पोजीशन में गन पकड़े इधर उधर देखता हुआ आगे बढ़ने लगा। मेरे दरख्त के करीब से वो गुजरता हुआ आगे चला गया। सारी बात मुझे समझ आ गई थी। जूलिया पैट्रिक के ज़रिए मुझे ट्रैप किया जा रहा था। गनमैन के बोलने और चलने के अंदाज़ से मैं समझ गया था कि गनमैन को यही कहा गया था कि अगर मैं उसके सामने आ जाऊं तो उसने बिला तामुल ही गोलियों से मुझे भून डालना है। हैरी टॉम ने मुझे घेरने के लिए बहुत ज़बरदस्त चाल चली थी। मैं दिल ही दिल में उसे दाद दिए बगैर न रह सका। यकीनन उसने जूलिया पैट्रिक को मुझसे बात करने पर मजबूर किया होगा और मैं बगैर सोचे समझे मुंह उठाकर यहाँ चला आया था। मुझे इस लम्हे अपनी बेवकूफ़ी और नादानी पर बेहद गुस्सा आ रहा था। साथ ही मैंने खुद को मलामत भी की, मुझे मुंह उठाकर इधर नहीं आना चाहिए था। ना जाने वहाँ कितने अफराद गन लिए मौजूद थे, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था। मैं तहिए दस्त था और आखिर कितनी देर तक इस दरख्त पर चढ़कर छुपा रह सकता था। सर्दी हड्डियों में उतरती हुई महसूस हो रही थी। दफातन मेरी जेब में मौजूद मेरा सेलफोन वाइब्रेट होने लगा। मुझे उकताहट हुई, यकीनन लीज़ा कॉल कर रही होगी। मैंने सरफे नज़र किया और गन मैन की तरफ़ देखने लगा जो अब दरख्त से कदरे दूर चला गया था। फ़ोन वाइब्रेट होने के बाद बंद हुआ ही था कि वो लम्हा भर के बाद दोबारा वाइब्रेट होने लगा। मैंने सोचा कि फ़ोन को मुकम्मल ऑफ ही कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, वरना लीज़ा मैसेज पर मैसेज और कॉल पर कॉल करके मेरा दिमाग ख़राब कर देगी। मैंने जेब से सेलफ़ोन निकाल कर देखा तो लीज़ा की बजाय जूलिया पैट्रिक दूसरे नंबर से कॉल कर रही थी, जिस नंबर से कॉल करके उसने मुझे बुलाया था। मेरे जिस्म में मौजूद खून की गर्दिश यकायक तेज़ हो गई। सद शुक्र कि मेरे फ़ोन की आवाज़ बंद थी, वरना इसकी घंटी गनमैन को मेरी तरफ मुतवज्जा कर देती और मैं किसी मुश्किल में फंस जाता जिसके लिए मैं फ़िलहाल मुतहम्मिल नहीं था। मैंने कॉल यस करके सेलफ़ोन कान से लगाया और धीमी आवाज़ में बोला, हेलो। दूसरी तरफ से जूलिया पैट्रिक ने इंतहाई बेताबी से पूछा, मॉरिस तुम कहाँ हो, मैं काफ़ी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। मैं अभी नहीं आ सकता जूलिया, मैंने जवाबन कहा। क्यों, क्या हुआ है, जूलिया पैट्रिक चौंकती हुई मुस्तफसर हुई, क्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। नहीं, मेरी तबीयत ख़राब है, मैंने ऐसे लहजे में जवाब दिया जैसे मैं वाकई बीमार हूँ, और जूलिया पैट्रिक भी मेरी आवाज़ से समझ जाए कि मैं बीमार हूँ। अच्छा तो मुझे अपना एड्रेस बता दो, मैं खुद ही वहाँ आ जाती हूँ, जूलिया पैट्रिक ने कहा। मैं सोचने लगा कि उसे क्या जवाब दूँ, ताहम मैंने कहा, जूलिया मुझे एड्रेस का तो नहीं पता, अलबत्ता मैं किसी से पूछ कर तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। ओके, मैं वेट कर रही हूँ। कहते साथ ही उसने कॉल मुनक़ता कर दी तो मैंने ठंडी सांस अपने अंदर उंडेल ली। मैं फ़ोन जेब में रखने ही लगा था कि शोमई किस्मत, फ़ोन मेरे हाथ से छूट कर नीचे जा गिरा और उसके गिरने से हल्की आवाज़ पैदा हुई। गो आवाज़ हल्की थी लेकिन गनमैन उस तरफ मुतवज्जा हो गया। ऐसे एजेंट नुमा लोगों के कान बहुत तेज़ होते हैं, ज़रा सी खटके की आवाज़ पर उनके कान खड़े हो जाते हैं। मेरा दिल ज़ोर से धड़क उठा। वही हुआ जिसका मुझे खदशा था। फ़ोन के गिरने की आवाज़ से गनमैन वाकई इस तरफ मुतवज्जा हो गया था और फिर वो मुड़कर इंतहाई चौकन्ने अंदाज में चलता हुआ आने लगा। मैं दम साधे गनमैन की तरफ देख रहा था। वो चंद गज़ के फासले पर मौजूद था और अभी मुझे उसके जोगर दिखाई दे रहे थे। चंद लम्हों के बाद उसका चेहरा भी दिखाई दिया। जब वो मेरा सेल फोन देखेगा तो ला महाला उसकी समझ में आ जाएगा कि मैं दरख्त पर छुपा हुआ हूँ। उसने मुझे भूनने में एक लम्हे की भी ताखीर नहीं लगानी, इसीलिए मैं उस पर हर सूरत काबू पाना चाहता था और इसी में मेरी बका थी, वरना बेरहम मौत ने मुझे निगलने में एक लम्हे की भी देर नहीं करनी। मैं बेआवाज़ अंदाज से दरख्त से नीचे उतरने लगा। जब मैं आखिरी शाख पर पहुंचा, तो मैंने देखा गनमैन ने दरख्त के करीब पहुंचकर बाएं हाथ से
मेरा सेल फोन उठाया और एक नज़र उसे देखने के बाद गर्दन उठाकर दरख्त की तरफ देखने लगा। सद शुक्र के उसे मेरे दरख्त से उतरने की भिनक ना पड़ी। अगले ही लम्हे उसने मेरा सेल फोन ज़मीन पर फेंका और गन का रुख दरख्त की तरफ करके उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी और फिजा ठक ठक की आवाज़ों से मुर्तइश हुई। ये सूरत हाल मेरे लिए ख़तरनाक थी। गोलियों की आवाज़ों से गनमैन के दूसरे साथी भी हमारी तरफ मुतवज्जा हो सकते थे। सद शुक्र के मैं उसके शाखों और पत्तों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने से पहले ही उतर कर दरख्त की जड़ में दुबक गया था। अपनी दानिश में तो गनमैन ने मुझे गोलियों से भून डाला था। दर हकीकत अगर मैं दरख्त से नीचे ना उतरता तो शायद मेरी लाश पके हुए फल की तरह ज़मीन पर आ गिरती। गनमैन फायरिंग रोक कर बगौर पत्तों को देखने लगा। शायद वो मेरी लाश के गिरने का मुंतजर था और मैं उस पर काबू पाने के लिए मौके की ताक में था। दफातन ठग की हल्की आवाज़ गूंजी और साथ ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे दहकता हुआ अंगारा मेरे बाएं बाजू में घुस गया हो। बेख्तियार मेरे मुंह से सिसकारी निकल गई और गनमैन मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया। गोली नामालूम सिमत से आई थी, यकीनन स्नाइपर ने ही चलाई होगी। स्नाइपर ने यकीनन मेरे सर का निशाना लिया होगा, लेकिन उसकी बदकिस्मती और मेरी खुशबख्ती कि गोली मेरे सर के बजाय मेरे बाजू में लगी थी। इंसान सोचता क्या है और होता क्या है। स्नाइपर ने भी यही सोचा होगा कि वो मेरे सर का निशाना लेकर गोली चला देगा तो मैं मुंह से कोई आवाज़ निकाले बगैर ही अगली दुनिया की तरफ परवाज कर जाऊंगा। लेकिन कुदरत को शायद मेरी ज़िंदगी मकसूद थी, इसलिए गोली ने मेरे बाजू का इंतखाब किया। मैंने जल्दी से अपना बाजू थाम लिया। ऐन उसी लम्हे गनमैन भी तीर किसी तेज़ी से मेरी तरफ आया। ओहो, तुम यहाँ छुपे बैठे हो, वो बोला तो उसके लहजे में हैरत और तंज की आमेज़िश शामिल थी। अगले ही लम्हे उसने गन का रुख मेरी तरफ किया तो मुझे उसका इरादा समझ आ गया। स्नाइपर की चलाई गई गोली से तो मैं ज़िंदा बच गया था, इसलिए गनमैन मुझे दूसरी दुनिया में पहुंचाना चाहता था। कबल इसके कि वो अपने इरादे को अमली जामा पहनाता, मैंने अपने ज़ख्मी बाजू की परवाह ना करते हुए उसके पेट में अपने सर की टक्कर मार दी। उसके मुंह से ऊह की आवाज़ बरामद हुई और वो लड़खड़ा गया। साथ ही वो थोड़ा सा सामने की तरफ झुका तो मैंने उसे कॉलर से पकड़कर ज़ोर से ज़मीन की तरफ उछाल दिया। वो उछल कर मुँह के बल ज़मीन पर गिरा और उसके हाथ से गन भी छूट कर अंधेरे में कहीं जा गिरी। उसने मुझे अंग्रेज़ी में एक गाली से नवाजा और ख़ुद उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके उठने से पहले ही मैं उठकर खड़ा हो गया। अगले ही लम्हे ठग की आवाज़ गूंजी और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई चीज़ सनसनाती हुई मेरे कान की लो को छूती हुई गुजर गई। यकीनन वो गोली थी। सद शुक्र के गोली ने मेरे कान की लो ही छुई थी। अगर कान को लग जाती तो वो यकीनन मेरा कान भी उड़ा जाती। कबल इसके कि स्नाइपर मेरी खोपड़ी को निशाना बनाता, मैं बर की सूरत के साथ जिधर मुँह था उसी तरफ दौड़ पड़ा। इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। न जाने वो बदबخت स्नाइपर कहाँ छुपा बैठा था। मैं चंद गज़ ही दूर गया था कि ठक ठक की आवाज़ों से फिजा मुर्तइश हुई, लेकिन सद शुक्र कि मैं किसी और अंधी गोली का शिकार होने से महफूज रहा। शायद किसी गोली पर मुझे दूसरी दुनिया पहुंचाने के लिए मेरा नाम नहीं लिखा था। मैं अंधाधुंध भागा जा रहा था कि अचानक मेरे पैर से कोई चीज़ टकराई तो मैं लड़खड़ाते हुए गिरते गिरते बचा। मैं संभला और दौड़ने का इरादा किया ही था कि अचानक मुझे उस चीज़ का ख्याल आया जिससे मेरा पैर टकराया था, तो मैंने मुड़कर पहले उसे देखा। मेरी आंखों में चमक लहराई, वो गन थी। अगले ही लम्हे मैंने लपक कर उसे उठा लिया। शायद ये वही गन थी जिससे स्यापोश मुझे निशाना बनाना चाहता था। मैंने एक नज़र स्यापोश पर डाली और वो भी उठकर खड़ा हो चुका था। कबल इसके कि वो मेरी तरफ बढ़ता, मैंने गन का रुख उसकी टांगों की तरफ करके ट्रिगर दबा दिया। मैं चाहता तो उसके सीने का निशाना भी लगा सकता था, लेकिन मैंने अपने हाथ से उसके गंदे खून से रंगना मुनासिब न समझे। ठक की आवाज़ गूंजी और गोली स्यापोश के दाएं रान में लगी और उसके मुंह से दिलदोज चीख निकली और वो वहीं ज़मीन पर गिर गया। कमीने, ये क्या कर दिया, कराहने के बाद वो चीखा। दफातन मुझे दौड़ते कदमों की आवाज़ें सुनाई दी तो मैंने चौंक कर मुड़ कर देखा तो कदरे दूर से मुझे एक साया दौड़ता हुआ दिखाई दिया जिसका रुख मेरी तरफ ही था। यकीनन उसके पास गन भी होगी। मैं उसे खुद पर गोली चलाने का मौका नहीं देना चाहता था। ऐसा ना हो कि स्नाइपर की गोलियों से तो मैं बच गया था लेकिन मैं उससे ना बच सकूं। इसलिए मैंने गन उसकी तरफ करके ट्रिगर दबाया, लेकिन शोमई किस्मत, गन में गोलियां ख़त्म हो चुकी थी। मैंने गन वहीं फेंकी और मुड़कर दौड़ लगा दी। जब मैं बॉक्सिंग और जिमनास्टिक की ट्रेनिंग ले रहा था तो मुझे गोलियों से बचने की नित नई तरकीबें सिखाई गई थी। आज वो तरकीबें मेरे काम आ रही थी। मेरे पीछे आते हुए स्यापोश ने मुझ पर गोलियां चलाईं और ठक ठक की आवाज़ों से फिजा मुर्तइश हुई। मेरी खुशबख्ती के मैं महफूज रहा और मुसलसल दौड़ता रहा। कुछ दूर खेतों का सिलसिला शुरू हो रहा था, इसलिए मैं खेतों में घुस गया। खेत गोलियों से बचने के लिए महफूज जगह थे। कदावर फसलें दूर दूर तक फैली हुई थी।
मैं फसलों में घुस गया और दौड़ने के बजाय अपने फूले सांस को इत्तेदाल पर लाने लगा। अब मैं महफूज था। अगर स्यापोश फसलों में घुस भी आते तो वो मुझे इतनी जल्दी तलाश नहीं कर सकते थे। अचानक मेरी समाज से इंसानी आवाज़ें टकराईं। शायद वो दो थे और मेरी ही तलाश में उधर आए थे। डैम इट, कहाँ छुप गया है वो, एक ने अंग्रेज़ी में झुंझलाए हुए लहजे में कहा। मैंने आहिस्ता आहिस्ता गैर महसूस अंदाज में आगे की तरफ खिसकना शुरू कर दिया। अगर वो मेरी तलाश में फसलों में घुसें तो मैं भी उनकी पहुंच से दूर चला जाऊं। इतनी बड़ी बड़ी फसलों में हम उसे कहाँ तलाश करेंगे, दूसरी आवाज़ मेरी समाज से टकराई। तुम तो बेहतरीन स्नाइपर हो, फिर वो तुम्हारे निशानों से कैसे बच गया, पहले ने दरियाफ्त किया। मैं उनकी बातें सुनने के दौरान आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। एक हाथ से मैंने अपना जख्मी बाजू थामा हुआ था। शायद उसकी मौत का वक्त नहीं आया था या उसकी किस्मत अच्छी थी, जवाबन दूसरे ने कहा। दोनों मेरे बारे में बातें करते रहे और मैं आहिस्ता आहिस्ता उनसे दूर होता जा रहा था। बिलाआखिर मैं इतना दूर आ गया कि मुझे उनकी आवाज़ें सुनाई न दी। मालूम नहीं वो वहाँ मौजूद भी थे या वापस चले गए थे। दफातन मेरे पैर से पत्थर टकराया तो मैं उछल कर खेत में जा गिरा। ज़मीन नरम थी इसलिए मुझे कोई चोट नहीं लगी थी, लेकिन मेरे जख्मी बाजू में ज़ोरदार टीस हुई थी जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया था। मैं चंद लम्हे अपने बेतदाल सांस को इतदाल पर लाने के लिए गहरे गहरे सांस लेता रहा। मेरा हलक खुश्क हो चुका था और गिरें पड़ गई थीं। कुछ देर के बाद जब मेरा सांस इतदाल पर आ गया तो मैं बामुश्किल उठा और अपना ज़ख्मी बाजू थाम कर लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ने लगा। कुछ देर मजीद चलने के बाद मैं फसल से बाहर निकल आया। अब मैं एक चौड़ी पगडंडी पर मौजूद था जो दूर तक जा रही थी। खेतों की दूसरी तरफ भी आबादी थी और वहाँ कई घरों की पेशानियों पर लगे मरकरी बल्ब, ट्यूबलाइट्स और लैंप जलते दिखाई दिए। लड़खड़ाते हुए मुझे एक ज़ोरदार चक्कर आया और मैं धड़ाम से ज़मीन पर गिर गया। शायद गोली में मौजूद बारूद ने मेरे जिस्म में सराइत करना शुरू कर दिया था जिससे मेरे हवास मुख्तिल हो रहे थे। आंखें भी बंद हो रही थीं और दिमाग में अंधेरा सा भरता हुआ महसूस हो रहा था। मैंने हत्यूल इम्कान खुद को बेहोश होने से रोकने की कोशिश की। मैं बेहोश नहीं होना चाहता था क्योंकि ये मेरे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता था। पकड़े जाने की सूरत में मुझे बेहोशी के आलम में दूसरी दुनिया पहुँचाया जा सकता था। इसी ख्याल के तहत मैंने अपने सर को ज़ोर ज़ोर से झटकना शुरू कर दिया। सच शुक्र के मैं अपने दिमाग में भरती तारीकी को दूर करने में कामयाब हो गया और मेरे हवास तो बहाल हो गए लेकिन पूरी तरह ना हुए। मेरी आंखों के सामने धुंधलाहट बादस्तूर मौजूद थी जो लम्हा ब लम्हा दूर होती जा रही थी। जब मेरी आंखों से धुंधलाहट दूर हो गई तो मैं बामुश्किल तमाम उठा और चांद की मध्यम रोशनी में आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आगे कदम बढ़ाने लगा। कुछ देर मजीद चलने के बाद चंद कदम का फासला अबूर करने के बाद मैंने गैर इरादी तौर पर पीछे मुड़कर देखा लेकिन मुझे कोई ज़ीरू दिखाई न दी। कुछ ही देर के बाद मैं खेतों से निकलकर आबादी में पहुंच गया। ज़ख्मी बाजू से निकलने वाली टीसें अब नाकाबले बर्दाश्त हो रही थी। वक्फे वक्फे से मेरे मुंह से कराह भी निकल रही थी। अगर मेरे बाजू में गोली ना होती तो शायद इतनी तकलीफ़ ना हो रही होती जितनी हो रही थी। मैं दांतों पर दांत जमाए उस तकलीफ़ को सहने की पूरी कोशिश कर रहा था। बाहर कैफ आबादी में पहुँचने के बाद मेरी समझ में नहीं आया कि मैं अब कहाँ जाऊँ। वहाँ बेशुमार मकानात थे, चारों अतराफ गहरा सकूत तारी था, अलबत्त झींगरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। दूर नज़दीक कोई ज़ीरू दिखाई ना दिया कि जिससे मैं मदद तलब कर सकूं। चलते चलते मुझे चांद की रोशनी में एक मकान की दीवार के साथ संगी बेंच पड़ा दिखाई दिया तो मैं जाकर उस पर बैठ गया। बेंच तारीक गोशे में था इसलिए मुझे यह इत्मीनान था कि फौरी तौर पर किसी की नज़र मुझ पर नहीं पड़ सकती। मैंने चंद लम्हे खुद को पुरसकून किया, फिर मैंने जैकेट उतार कर बेंच पर रखी और अपने ज़ख्मी बाजू का जायज़ा लेने लगा। खून तो रुक चुका था लेकिन मेरा बाजू आस्तीन तक खून से तर हो चुका था और बाजू से चिपका हुआ था। मेरे पास चाकू होता तो शायद बाजू से गोली निकालने की कोशिश करता। गोली के ज़्यादा देर तक रहने की वजह से मेरा बाजू नाकारा भी हो सकता था। अचानक मेरे हसास कानों में मध्यम मध्यम आहटों की आवाज़ें सुनाई दी जैसे कोई दबे कदमों चल रहा हो। मैं बेइख्तियार ठिठक गया। दिमाग में फौरन ये बात आई कि हैरी टॉम के कारिंदों ने मुझे तलाश कर लिया है, अब वो मुझे किसी सूरत जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले कि वो मुझ तक पहुंच जाएं, मुझे फौरी तौर पर कहीं छुपना होगा। इसी एहसास के जेर असर मैं उठने ही लगा था कि यकायक मेरे चेहरे पर तेज़ रोशनी सी पड़ी और मेरी आँखें चुंदे आ गईं। मैंने बेख्तियार अपनी आँखों के सामने बाजू कर लिया। वो टॉर्च की रोशनी थी जो धीरे धीरे मेरे करीब आ गई। कौन हो तुम, दफातन एक निस्वानी आवाज़ मेरी समात में पड़ी तो मैं चौंक गया। मेरे जवाब देने से पहले ही वो चौंकती हुई बोली, ओहो तुम तो ज़ख्मी हो। वो जो कोई भी थी सूरत से मेरी तरफ बढ़ी और टॉर्च की रोशनी में मेरे ज़ख्मी बाजू का जायज़ा लेने लगी। मुझे उसका चेहरा वाजिया दिखाई न दिया लेकिन उसकी आवाज़ से यही महसूस हुआ कि वो जवान लड़की है। क्या तुम्हें गोली लगी है, उसने तशवीश भरे लहजे में मुझसे दरियाफ्त किया।
हाँ, मैंने कराहते हुए जवाब दिया। प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरे बाजू से गोली निकाल दो, मुझे बेहद तकलीफ हो रही है। ओहो, अच्छा आओ मेरे साथ, वो समझने वाले अंदाज में बोली और मेरी जैकेट उठाकर अपने कंधे पर डाल ली। फिर एक हाथ से टॉर्च पकड़ी और दूसरे हाथ से मुझे सहारा दिए उस तरफ बढ़ने लगी जिस तरफ से वो आई थी। चंद कदम के फासले पर उसका कॉटेज नुमा घर था। वो मुझे लिए घर में दाखिल हुई और ड्राइंग नुमा कमरे में एक सोफे पर बिठाने के बाद मेरी जैकेट सोफे की पुश्त पर रखते हुए बोली, तुम बैठो, मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। मैंने उस मेहरबान लड़की को ममनून नज़रों से देखते हुए अस्पताल में सर हिला दिया। उसने टॉर्च मेज़ पर रखी और दीवार पर लटके हैंगर से ओवरकोट उतारने लगी। वो वाजिबी सी शक्लो सूरत वाली लड़की, उसकी उम्र मेरे अंदाजे के मुताबिक 25-26 साल के दरमियान थी। उसकी रंगत गंदुमी थी, उसने डार्क ब्लू कलर का स्कर्ट पहना हुआ था, सर के बाल जूड़े की शक्ल में बंधे हुए थे, कानों में टॉप्स थे, होंठों पर हल्की सी लिपस्टिक लगाई हुई थी, उसके पैरों में आम सी चप्पल थी। ओवरकोट पहनने के बाद जब टॉर्च उठाकर वो जाने लगी तो मैंने इस्तफसार किया, क्या डॉक्टर का घर दूर है? करीब ही है, वो बोली, 15-20 मिनट लग जाएंगे, मैं जल्द से जल्द डॉक्टर को लेकर आने की कोशिश करती हूँ। क्या इस वक्त डॉक्टर आ जाएगा? मैंने पूछा। हाँ, वो मेरा मंगेतर है और मेरी हर बात मानता है, वो अदाए नाज से बोली और फिर वो वहाँ से चली गई। मैं उसकी वापसी का इंतज़ार करने लगा। घर में मौत की सी खामोशी तारी थी, यूं लगता था जैसे इस लड़की के अलावा वहाँ और कोई नहीं रहता। बाजू की तकलीफ़ लम्हा ब लम्हा बढ़ती जा रही थी और मेरा इंतज़ार तवील होता जा रहा था। वॉल क्लॉक की टक टक की आवाज़ ड्राइंग रूम की खामोश फिज़ा को ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी। मैंने घड़ी की तरफ़ देखा तो उस वक्त रात के 12:20 हो रहे थे। कुछ देर के बाद मैंने दोबारा घड़ी की तरफ़ देखा। मेरे अंदाजे के मुताबिक लड़की को गए 10-15 मिनट हो गए थे, लेकिन वो डॉक्टर को लेकर नहीं आई थी। चंद लम्हों के बाद वो वक्त भी आ गया जब मेरी आंखों के सामने तारीकी छाने लगी। मैंने खुद को होश में रखने के लिए एक बार फिर सर को बार बार झटका, लेकिन इस बार शायद तारीकी ने तहैया कर लिया था कि वो मुझे बेहोश करके ही दम लेगी। मेरा सर झटकना किसी काम ना आया और बिलाआखिर मेरी और तारीकी की सर्द जंग में फतह तारीकी को नसीब हुई। मैं लुढ़क कर सोफे पर गिरा और होशो खुर्द से बेगाना हो गया। पता नहीं वो लड़की वापस कब आई, उसके साथ डॉक्टर भी आया या नहीं। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प उर्दू कहानी जिसका नाम है रूसिया। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 55 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। होश आया तो मैं एक नरमो गर्म बिस्तर में मौजूद था। मेरे ऊपर नरमो गुदाज लिहाफ था। मुकम्मल तौर पर होश में आते ही मुझे एहसास हो गया कि मैं किसी कमरे में मौजूद हूँ। मेरे ज़ख्मी बाजू पर पट्टी बंधी हुई थी। मेरा लिबास तो वही था, अलबत्त शर्ट का दायां बाजू कंधे तक काट दिया गया था। टीसें अब कदरे कम थीं। मेरे दाएं तरफ एक खिड़की थी जिस पर दबीज पर्दा था। शायद सुबह का वक्त था क्योंकि कमरे में हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। मैंने उस रोशनी में कमरे का जायज़ा लिया। वो एक छोटा सा कमरा था लेकिन उसे सजाने के लिए पूरी कोशिश की गई थी। वहाँ मौजूद हर चीज़ की हालत बता रही थी कि वो काफ़ी पुरानी है। एक साइड पर पुराने से सोफे पड़े हुए थे। सोफों से ज़रा आगे एक साल खुर्दा सी मेज़ पड़ी थी जिस पर पानी से भरा शीशे का जग और शीशे का ही एक गिलास पड़ा हुआ था। गिलास खाली था। मैंने आहिस्ता से लिहाफ एक तरफ किया और ज़ख्मी बाजू का जायज़ा लिया। पट्टी बंधने का मतलब था कि मेरे बाजू से गोली निकाल ली गई है। पट्टी पर अलबत्ता थोड़े से खून के धब्बे मौजूद थे। मैंने दाएं बाजू के ज़ोर पर खिसक कर बेड क्राउन से टेक लगा ली और सोचने लगा कि मैं कहाँ मौजूद हूँ और ये किसका बेडरूम है। आहिस्ता आहिस्ता तमाम वाकयात मेरे जहन के पर्दे पर नमूदार हो रहे थे। मुझे याद आ गया कि मैं संगी बेंच पर बैठा था और एक लड़की ने मेरी मदद की थी। वही मुझे अपने घर ले गई थी और अपने दोस्त डॉक्टर को बुलाने चली गई थी। उसके वापस आने से पहले ही शायद मैं बेहोश हो गया था। मैंने नतीजा अखज़ किया कि यकीनन मैं उसी के घर में ही मौजूद हूँ। दफातन कमरे का दरवाज़ा खुला और एक बूढ़ा आदमी दाखिल हुआ। उसकी उम्र 60-65 के दरमियान होगी। उसका चेहरा गोल था और आँखें दरमियानी थीं। उसने आंखों पर नज़र की ऐनक लगाई हुई थी। सर पर घने मगर बर्फ़ की तरह सफ़ेद बाल थे जो उसकी शख्सियत के मुताबिक बेहद भले लग रहे थे। मुझे देखते ही वो जल्दी से मेरे पास आया और बेड की पायती पर बैठते हुए शफीक लहजे में बोला, हेलो यंग मैन, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, मैंने जवाब देते हुए कहा। आप? मेरा नाम मार्विट है, मार्विट जॉम, उसने मेरी बात काटी। मैं खेती बाड़ी करता हूँ, तुम्हें मेरी बेटी अलियाना ही घर लाई थी। मैं चूँकि उस वक्त खेतों में था लेकिन जब मैं घर आया तो तुम सोफे पर बेहोश पड़े हुए थे। बहरहाल तुम्हारे बाजू से गोली निकाल ली गई है और उम्मीद है तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। अब बाजू में तकलीफ तो नहीं हो रही?
नहीं, मैंने नफ़ी में गर्दन हिलाई। ये मालूम हो गया था कि उस लड़की का नाम इलियाना है। चलो ये अच्छा हो गया, वो तवील सांस लेते हुए बोला। डॉक्टर शोफर ने बताया था कि गोली तुम्हारे बाजू की हड्डी में फंस गई थी। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस था। गोली निकालने में डॉक्टर शोफर को 2 घंटे लग गए, लेकिन उसने तुम्हारे बाजू से गोली निकाल कर ही दम लिया। आखिर में उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। मैं समझ गया कि डॉक्टर शोफर वही है जिसे इलियाना ने अपना मंगेतर बताया था। मैं दिल ही दिल में इलियाना का शुक्रिया अदा करने लगा, क्योंकि वो मेरी मोहसिन थी और उसने बर वक्त मेरी मदद की थी। ताहम मैंने ममनून लहजे में कहा, आपका शुक्रिया कि आपने मेरी जान बचाई।